अनूपगढ़ के शारदा विद्या निकेतन स्कूल में आज बच्चों ने एक अनोखी पहल की। रक्षाबंधन के इस खास मौके पर नर्सरी से पांचवी कक्षा तक के बच्चों ने पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। इन नन्हे मुन्नों ने पेड़ों को अपना सच्चा मित्र माना और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। यह पहल सरकार की हरियालो राजस्थान योजना को आगे बढ़ाते हुए की गई, जिससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ेगी। प्रधानाचार्य राज बहादुर सिंह ने इस अवसर पर बच्चों की सराहना की और बताया कि पेड़ों की अत्यधिक कटाई जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, इसे रोकने के लिए वृक्षों का संरक्षण जरूरी है। इस मौके पर विद्यालय की शिक्षिका उर्वशी धर्मेश्वरी, ज्योति सचदेवा, सिमरन नागपाल, ज्योति जोशी और अन्य स्टाफ सदस्य भी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर इस अनोखी पहल का समर्थन किया और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। रक्षाबंधन के इस अनोखे अंदाज ने न केवल पेड़ों की रक्षा का संदेश दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी बनाई। केशव नायक, ब्यूरो रिपोर्ट, अनूपगढ़। देखिए, इनके बारे में थोड़ा बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। मैं शारदा विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट पर वर्क करती हूँ। आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर अपने पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधते हुए यह संदेश दिया है कि हमें अपने पेड़ पौधों को की सुरक्षा करनी है और अपने पर्यावरण का बचाव करना है। यह मुहिम अगर देखा जाए तो राजसमंद का जिला है, जहाँ पे 111 पेड़ों को रक्षाबंधन के पर्व पर बेटियाँ रक्षा सूत्र बांधकर अपना यह पर्व मनाती हैं, ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को पर्यावरण को दान दें और उसका बचाव करें। मैं राज बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य शारदा विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़। आज के शुभ अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जो भाई बहन का एक अनूठा त्यौहार है, उसकी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि इस क्षेत्र में खुशहाली कायम हो और सभी इस त्यौहार को, इस पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सभी सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। मैं